बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द सेवन स्टार टेक। इस वीडियो में हम रास्टर इमेजेस का एरिया कैलकुलेट हम कैसे करते हैं उस पर बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये एक इमेज ऐड करवाई है ArcMap में, तो ये अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन इस पर मैंने की हुई है। तो अब इसकी जो क्लासेस हैं, हम चाहते हैं कि इसका एरिया हम कैलकुलेट कर सकें। तो इस वीडियो में दो मेथड जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आइए, पहला मेथड जो है वो ये है कि मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं, ओपन एट्रीब्यूट में जाता हूं। तो यहां पे हम पहले एक फील्ड ऐड करवा लेते हैं जिसको मैं एरिया का नाम दे देता हूं। टेक्स्ट इसकी डाटा टाइप हो गई हमारी, ओके। अब हम एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा, इमेज की सोर्स, देन सेल साइज जो हमारे पास है वो है 30x30 का। तो अगर इसका एरिया हम निकालें 30x30 का, तो ये बनता है जी 30x30, तो ये बनता है 900, ओके। तो मैं स्टार्ट एडिटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा एरिया वाले फील्ड पे, फील्ड कैलकुलेटर में जाऊँगा एंड काउंट पे डबल क्लिक, मल्टीप्लाई बाय जो 30x30 का सेल साइज था हमारा, उसको वो हमने एरिया निकाला 900, तो वो 900 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर में। मैं चाहता हूँ इसे हेक्टर में लेना, तो डिवाइड मैं कर दूंगा 10,000 से, क्योंकि एक हेक्टर में 10,000 मीटर होते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए ये मैंने 10,000 से डिवाइड कर दिया, ओके करूंगा मैं। ये आपके पास हेक्टर में उसका एरिया आ गया है। तो एक और मेथड हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या ये एरिया उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलते हैं दूसरा जो हमारा मेथड है उस पर। मैं एडिटिंग सेव करके स्टॉप कर देता हूँ। देन आप टूल बॉक्स में जाएंगे, देन स्पेशल एनालिस्ट टूल्स एंड जोनल एंड टैबुलेट एरिया, ओके। तो इसमें मैं इनपुट रास्टर फीचर जो है वो हमारा, वो मैं इसको दे देता हूँ। जोन फील्ड जो है वो मैं वैल्यू ही रहने देता हूँ। इनपुट रास्टर या फीचर क्लास डाटा वो भी मैं इसी को दे देता हूँ, ओके। ये वैल्यू रहेगी। मैं आउटपुट दे देता हूँ जी इसको, ओके, और सेव करवा देता हूँ। ये खुद ब खुद जहाँ पे वो लोकेशन है आपकी इमेज की, वो इसको कैच कर लेता है। तो हम नेक्स्ट ओके करेंगे। एरर दे दिया, दोबारा कर लेते हैं।
देन ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ओके, तो अब इसको मैं ओपन करता हूँ। हमारी जो फर्स्ट फील्ड है ना, फर्स्ट वैल्यू है, उसकी वैल्यू आ रही है ये वाले। ओके, कैलकुलेटर, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। ये हमें दे रहा है मीटर में, ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं ये मीटर में हैं, जबकि हमारी जो ये वाली कैलकुलेशंस हैं इसमें वो हमने हेक्टर में की हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, ताकि हम मैच कर सकें इसको। 3890 39400। ओके, ये हमारी हमारी वैल्यू जो है वो 1 है। ओके, तो इसको अभी मैच हमने करना है, तो मैं इसका एट्रीब्यूट ओपन करता हूँ। तो वैल्यू 1 जो है वो ये आ रही है। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ जी 10,000 से। ओके, और हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो है जी 38903.94। तो हमारा जो एरिया है वो जो हम पहले हेक्टर में निकाल चुके हैं, तो वो ये हमारा एरिया आ रहा है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि दोनों मेथड से आपका एरिया जो है वो सेम आएगा। ये वाला जो एरिया मैंने मालूम किया था वो मैंने हेक्टर में किया था, बिकॉज़ मैंने इधर ही उसको डिवाइड कर दिया था 10,000 से। और ये वाला जो एरिया हमारा आया है ये मीटर्स में आया है। ओके, तो दोनों तरीके जो आपको बेहतर लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, तो आप लाइक और शेयर करना मत भूलें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।